हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमाम विष्णुपदाय कृष्णप्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गुरुभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम सब भगवान का क्रिएशन के बारे में देख रहे थे। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को जब इस क्रिएशन के बारे में पूछा तो उन्होंने नारद और ब्रह्मा जी को जो संवाद है उस संवाद को बता के इस क्रिएशन की रचना को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो नारद जी भी यही पूछते हैं कि हे प्रभु, आप ही तो क्रिएटर हो और आप ही सारा संसार सृष्टि बनाते हो, तो ये मतलब कैसे करते हो? और फिर भी वो बोले कि लेकिन मुझे सवाल ये भी है कि आप मेडिटेशन करते हो, तो फिर आप किस पे मेडिटेशन करते हो? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि नारद, लोग प्रायः मुझे ही इस क्रिएशन का क्रिएटर समझते हैं, हालांकि इसका जो फॉर्मेशन है ये सब मैं करता जरूर हूं, लेकिन ये सब मैं ब्रह्म ज्योति जो भगवान की प्रभा शक्ति है उसका इस्तेमाल करके भगवान के ही निर्देशन में, यानी भगवान मेरे हृदय में मुझे बताते हैं, उस हिसाब से भगवान के निर्देशन में ही मैं ये सृष्टि की रचना करता हूँ। और मैं प्राइमरी क्रिएटर नहीं हूँ, मैं केवल एक जीव हूँ और भगवान सबके हृदय में परमात्मा है जो सबको गाइड करते हैं, और मुझे ये दायित्व दिया गया है तो इस दायित्व को मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। तो इतना बता दिया। फिर अब वो क्रिएशन के बारे में बताना चालू किए थे, जिसमें आपको याद है कि उन्होंने बताया था कि पांच चीजें हैं, वो अपने 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 उसमें चलती रहती हैं। कौन सी पांच चीजें याद है किसी को? पांच चीजों का हमने चर्चा किया था, काल का, स्वभाव का, कर्म का, और दो कौन से हैं? काल, स्वभाव, जीव, ईश्वर। तो गीता में क्रिएशन के टाइम में हमने पांचवा देखा था, द्रव्य, द्रव्य इंग्रेडिएंट्स, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव। ठीक है, तो ये हमने देखा था और इस क्रिएशन को समझा रहे हैं भगवान। तो आइए अब जो आगे का जो पार्ट है क्रिएशन को उसको समझेंगे। और याद रखिए, ब्रह्मा जी अभी जो समझा रहे हैं फिर आगे जाके उसको और एलोबरेट 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 ऐसा होते रहेगा, पांचवें स्कंद तक ये एलोबरेट ही होते रहेगा, फिर छठे स्कंद से मुक्ति का मार्ग बताया जाएगा। मुक्ति का मार्ग पहले भी है, लेकिन हरिनाम की महिमा और भक्तों की खास महिमा छठे स्कंद के बाद से और एक्स्ट्रा चालू हो जाएगा। हाँ, तो 19वां श्लोक ले सकते हैं आप लोग, 19 वर्स नंबर 19। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयः बदन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणः। दीज थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर बीइंग फर्दर मैनिफेस्टेड एज मैटर नॉलेज एंड एक्टिविटीज पुट द इटर्नली ट्रांसजेंडेंटल लिविंग एंटिटी अंडर कंडीशंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एंड मेक हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्टिविटीज। तो कह रहे हैं ये जो तीन गुण हैं, ये तीन गुण जो है ये आगे जाके यही जो तीन गुणों का मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, अब जो जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया है ब्रह्मा जी ने भी, तो कह रहे हैं ये तीन गुणों से मैटर यानी द्रव्य, नॉलेज यानी ज्ञान, एंड एक्टिविटीज यानी कार्य, ये सब आ जाता है। और जैसे कार्य, कारण, कर्तृत्व लिखा है ना, कार्य यानी इफेक्ट, जो भी इफेक्ट आ रहा है समझाएंगे हम धीरे धीरे वो इफेक्ट, कारण यानी कॉज। रिकॉर्डिंग नहीं की? चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, चालू है माता जी, चालू। वो जो लाल डब्बा है ना, लाल पॉइंट, रिकॉर्डिंग है। कार्य, कारण, कारण यानी जो क्यों ऐसा हुआ। तो जैसे कई बार हम लोग ना एक दूसरे से लड़ जाते हैं, तुमने ऐसा क्यों बोला, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे वो उसका स्वभाव है, लास्ट में आंसर आता है स्वभाव। तो जहां स्वभाव आ जाए वहां चुप बैठना पड़ता है, करेंगे क्या भाई, स्वभाव ही ऐसा है, तो इसका मतलब ये इनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, ये ऐसा ही रहेगा। कार्य, कारण, कर्तृत्व,
एक्टिविटीज, यानी जो एक्टिविटी है वो, तो ये सब को जो है गुण मैनिफेस्ट करता है इन चीजों को. दे पुट द इटर्नली ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी अंडर कंडीशंस. और ये क्या करता है, तीन गुण, ये पूरे जीवों को भगवान के इस मटेरियल वर्ल्ड के कंडीशंस में घुसा देता है, अंडर कंडीशंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, एंड मेक हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्टिविटीज. और उसको इस कार्य कारण में घुसा के उसको क्या बोलते हैं, उसको इल्यूजन में डाल के, जो हमने देखा पिछले श्लोकों में, इल्यूजन में डाल के कॉज और इफेक्ट में उसको डाल देता है. यानी एक कारण से वो एक कार्य करता है और उस उसका इफेक्ट से और एक काम होता है, उसके इफेक्ट से और एक काम होता है, ऐसे एक बंधन में ही फंस जाता है. जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे पैसा उठाते हैं अगर, तो वो 40 दिन में अगर आपने चुकाया तो क्लियर हो जाएगा, और 40 दिन में नहीं चुकाया तो 40 दिन में चुका नहीं सकते, क्योंकि आपने लिया ही किसी काम के लिए जो 40 दिन में होना होगा नहीं. तो 40 दिन में नहीं चुकाया तो आपको साल भर का हफ्ता इतना भरना पड़ेगा, नहीं तो 24 महीने का इतना भरना पड़ेगा. वो नहीं किया तो आपके अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट हो जाएगा. तो ये वो ऐसा वैसा हजार चीजें होती हैं. तो ये एक साइकिल है, कैलकुलेशन. इस कैलकुलेशन में भी दुनिया चलती है. तो आपने एक किया, उसका रिपरकशन ऐसा, उसका रिपरकशन ऐसा, तो फंसते जाता है आदमी, तो कॉज एंड इफेक्ट में फंस जाता है. एंड मेक हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्टिविटीज, और उसको निमित्त बना के कि तुम इसका कारण हो. ध्यान से देखो, ऐसे ही हो रहा है. मतलब ऐसा है, मराठी में बोलते कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला. यानी एक बार एक टहनी था पेड़ का, वो सूख गया था और ऑलमोस्ट इतना क्रैक हो गया था, अभी वो टूटने ही वाला है और वो गिरने ही वाला है, तब तक कौवा आके उस पर बैठ जाता है. तो लोग क्या बोलते, अरे ये कौवा बहुत अशुभ है, ये जो ही बैठा ये टूट गया, हालांकि वो पहले टूटने वाला था. तो जीव केवल निमित्त बनता है हर चीज का. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सबको भागवत सुनना है, तो भगवान हमको निमित्त बना दिए, जबकि मेरे को कथाकार पैदाइशी हूं नहीं, जो मुझे ज्ञान है वो मैं बांट रहा हूँ. आपको सुनना है, मुझे ये सेवा करना है जो प्रभुपाद ने लिखा है बताने का, तो हमको मिला दिया. अगर पता चल जैसे कोई किसी को समझो रेस्टोरेंट में खाना खाना है, कुछ तो छोले भटूरे खाना है, तो जो बनाने वाला है वो है, वो निमित्त हो जाएगा इसके कर्मों का. तो यहाँ आप क्या करते, तो आपको निमित्त की तरह आप बन जाएंगे और आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाएगा. ये कर्म का लेप है, क्योंकि आपको फीलिंग देना है ना कि आप कुछ है. प्रकृति है क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वजा, इस श्लोक को आएगा. अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते. विमूढ़ात्मा क्या सोचता है कि मैंने किया, लेकिन उसको अगर वो सोच रहा है तो इस अहंकार के कारण उसको उसका भोग भी आर्टिफिशियल वाला लेना पड़ता है. तो एकदम आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, मायामयी जगत है जो झेलना पड़ता है. तो यहाँ पे गुण जो है, तीन गुण ये जीव को बांधते हैं. उधर लिखा है देखिए, पुरुषम माइनम, जो पुरुष है यानी जीव पुरुष है, जीव साधारण नहीं है, जीव पुरुष है. तो उस पुरुष के वजह से माइनम यानी माया में उसको कंट्रोल करके रख दिया है उस पुरुष को. पुरुष कौन, जीव, जिससे वो जीव वहां पे भोग करता रहता है. तो इनसे तीन चीजें निकलती हैं, द्रव्य यानी मैटर, ज्ञान यानी नॉलेज, और क्रिया यानी एक्टिविटीज, कार्य कारण कर्तृत्व. और गुण इन तीनों का आश्रय है. ठीक है, मतलब गुण आश्रय का मतलब है ये है तब ये है. अगर तीन गुण हट जाएं तो ये मैटर का मैनिफेस्टेशन हट जाएगा, ये ज्ञान हट जाएगा, और ये क्रिया यानी एक्टिविटीज हट जाएंगे. क्रिया में क्या आता है, सेंसेस आते हैं. जैसे हमारे जो इंद्रिय हैं, जो इंद्रिय बनते हैं ना, ये क्रिया है. ये एक्चुअली आप तो बाहर का क्रिया सोचते हो, क्रिया यानी इंद्रिय. ये इंद्रिय क्रिया करती है ना, देखने का, बोलने का, टेस्ट करने का, सूंघने का, सुनने का. तो क्रिया जो है वो एक्चुअली क्रिया में आ जाएगा, कर्तृत्व. और ज्ञान है देवताओं को, यानी जो कोई भी एक, जैसे हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, तो ब्लूप्रिंट बनाने वाला एक आर्किटेक्ट होता है और नीचे एक वर्कर अलग होता है. तो ब्लूप्रिंट में अगर आप देखेंगे तो देवताओं के पास सारा अधिकार होता है. तो देवता सैंक्शन करते हैं
तो वो होता है, जैसे हमारे जितने भी इंद्रिय है ना, इन सबके देवता है, तो हम कंट्रोल्ड हैं टोटली, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ये खेला है, ये तो हम सोचते हैं कि मेरे हाथ में ये है, मेरे हाथ में वो है, लेकिन ये बहुत बड़ा खेला है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। और इन तीन गुणों का जो स्टेट है, स्टेट यानी जैसे हम बोलते हैं ना लिक्विड, गैस और सॉलिड, ये हम मैटर का स्टेट बोलते हैं, वैसे गुणों का जो स्टेट है यानी तीन तरीके से वो एग्जिस्ट करते हैं। कैसे करते हैं तीन गुणों, तीन गुण तीन तरीके से एग्जिस्ट, तीन गुण है वो अलग, ये सारे गुण मिला के कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये बताया जा रहा है। तो यहां आता है अधिभूत, अधि आत्म और अधिदैव। कार्य यानी अधिभूत, कारण यानी अधि आत्म, और कर्तृत्व यानी अधिदैव। इसका मतलब क्या है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, एकदम सिंपल है, ज्यादा टर्म सुनने से कभी कभी हेवी होने लगता है, लेकिन ये समझिए कि ये सब ज्ञान व्यासदेव ने दिया है, सुखदेव गोस्वामी ने दिया है, ब्रह्मा जी ने दिया है, तो हमको एटलीस्ट उसमें प्रयास करना चाहिए कि हाँ जितना समझ जाए उतना समझ लेना, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हरि भक्ति करनी है तो लोड मत लीजिए। ऐसे कई बार लोग लगते हैं बाबा बाबा बहुत हेवी हो गया, ऐसा नहीं है, सिंपल है। तो कार्य यानी अधिभूत, तो अधिभूत क्या करता है, अधिभूत इस गुण, गुण का एक कार्य क्या है, गुण का एक अधिभूत जो है उसका कार्य, वो इट एंटेल्स रेपिटेशन ऑफ बर्थ्स डेथ्स एंड ओल्ड एज डिजीजेस। जो भी ये रिपीटिशन होना चाहिए, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु से फिर जन्म, यानी हम आते हैं तो हमारे जो शरीर के देख रहा बड़े हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो अंत होते हैं, तो ये जो गुणों का ये एक कार्य है ना, कार्य कारण कर्तृत्व, ये कार्य है गुणों का कि वो एक साइकिल बनाता है, ठीक है। और इसमें काल जो है वो चीजों को वैनिश करते रहता है, आपने हमने काल का गुण देखा था, तो उस फेज को बोलते हैं अधिभूत, यानी जीव को उसमें डाल के रखना। कारण का मतलब है अधि आत्म, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, तो अधि आत्म यानी कारण, यानी कंडीशन ऑफ स्पिरिट सोल, यानी वो किन कंडीशंस में से जाएगा उसको बोलते हैं कारण। और कर्तृत्व अधिदैव, तानिका माता जी आपको म्यूट करना पड़ेगा, गलती से आपका अनम्यूट हो गया। सॉरी प्रभु जी। हाँ अच्छा, क्या प्रॉब्लम है। तो अधिदैव जो है वो कंट्रोलिंग सिस्टम है, कंट्रोलिंग सिस्टम यानी इस सब को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये अधिदैव यानी देवता गण को अधिकार दिया जाता है कुछ चीजों का, और उसके अधिदैव भी होते हैं, हम डिस्कस करेंगे एज वी प्रोसीड फर्दर। तो इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम, यानी कंट्रोलिंग सिस्टम जैसे हमको भी हमारे लैपटॉप में होता है ना, जैसे माइक्रो क्या बोलते हैं मदरबोर्ड होता है, उसमें प्रॉपर एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, यहाँ से सिग्नल गया तो ऐसे ऐसे ही जाएगा, अगर आपने ये टाइप किया तो सिग्नल में जाएगा। आपको क्या दिखता है, मैंने वर्ड फाइल टाइप किया, एक्सेल शीट टाइप किया, सेव कर दिया, अब वो सेव हो गया, ये आपको दिखता है, पीछे ऐसा नहीं होता है। पीछे होता है कि आपने उस जब स्क्रीन ऑन हुआ तो वो स्क्रीन ऑन होने का वो जो मेमोरी वो रहेगा, फिर उसमें ये टाइप हुआ तो ये ऐसे कंपाइल होगा, उसके कंपाइलर्स बनते हैं, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर है वो जानते हैं, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके एल्गोरिदम्स लिखे होते हैं, तो उधर से वो जाता है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, फिर एल्गोरिदम डिजाइन किया जाता है कि इफ दिस इफ नॉट दिस देन दिस, ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कंपाइलर भी बनाने के लिए जो राधे श्याम जो बनता है, तो वो भी कैसे बनता है ये हमने देखा था। तो ये प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के हिसाब से ये दुनिया भी एक प्रोसेस में चलती है। आपको दिख रहा है कि मैंने इसको थप्पड़ मारा, मैंने इसको गले लगाया, ये आपको दिखता है, चलिए कंट्रोलिंग सिस्टम में उसका कुछ और बनता है, समझे, उधर बंधन का साइकिल बनते रहता है, ये यहाँ बंध गया, ये यहाँ हो गया, ये हुक लग गया, ये गुण यहाँ फंस गया, ये तमोगुण प्रवेश कर चुका है, आप कुछ और ही देख रहे हो। आपने देखा कि मैंने सड़ा हुआ खाना खा लिया, क्या दिक्कत है, पुराना खाना था, बासी था, या दारू पी लिया, अब वो उधर वो रजिस्टर नहीं होता दारू, उधर रजिस्टर होता है तमोगुण का मिक्सचर हो गया, अब सत्व पे तम भारी होगा, अब इसके सारे निर्णय तमो होंगे, खत्म कहानी। आप क्या देखते हो, अरे दारू पिया उल्टी कर दो बेटा, है ना, आराम करो, कुछ हम और टेंशन ले लिया, ना 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 ना, टेंशन है, प्रारब्ध से आएगा टेंशन, टेंशन में आएगा, वो तम का आहार करेगा, तम का आहार करेगा, तम से निर्णय होगा, ये निर्णय यहाँ से जाएंगे,
वो एक अलग ही चीज है कंट्रोलिंग सिस्टम जो है, और वो जो बना हुआ है ये पैटर्न जो है ये इसकी बात हो रही है। तो कार्य कारण कर्तृत्व और इस और दिखने में द्रव्य है तो उस द्रव्य माध्यम बन जाता है और सेंसेस यानी क्रिया जो है इसको। विद्या माता जी आपको म्यूट करना है, क्लास चलता है ना। विद्या विद्या माता जी ठीक है, तो यहाँ पे दिया है। तो ये आपने अगर मैंने ये जो प्रभुपाद ने परपोट दिया है इसको मैंने नोट्स बना लिया, तो ऐसे पढ़ने जाएंगे तो आपको जल्दी वही समझाने में उसको नोट्स बना के ही समझा दिया जो था वो परपोट ने समझा दिया। आइए हम लोग 20वां श्लोक लेते हैं। स एष भगवन लिंगई स्त्री भी तैर अधोक्षजः स्वलक्षित गतिर ब्रह्म ब्रह्मन् सर्वेषां मम च ईश्वरः। ओ ब्राह्मण नारद, हे नारद, हे ब्राह्मण नारद, द सुपरसियर, आप जो सब कुछ देखते हैं, द ट्रांसेंडेंट लॉर्ड, जो भगवान दिव्य भगवान है, इज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ अधोक्षज, अधोक्षज यानी हमारे अक्षज यानी आंखों से हमारे परे हैं, हमारे समझ से भी परे हैं। तो जैसे आपको कभी समझेगा ही नहीं, कभी कभी आप तो कृष्ण और शिव जी का युद्ध भी सुनेंगे, अरे ऐसे कैसे हो गया, तो आपको नहीं समझना है। वो एक अलग लेवल का रेसिप्रोकेशन है जो हमारे इस बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। इज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ मटेरियल सेंसेस ऑफ लिविंग एंटिटीज बिकॉज ऑफ द अबव मेंशन्ड थ्री मोड्स ऑफ नेचर बट ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरी वन इंक्लूडिंग मी। तो ब्रह्मा जी नारद को कह रहे हैं, हे नारद, हे ब्राह्मण नारद, तुम बहुत विद्वान हो, भगवान जो है इन तीन गुणों के अंदर हम सब आते हैं और इसलिए हमारी सोच विचार कार्य सब कुछ कंट्रोल्ड है और इन तीन गुणों से परे प्रभु हैं और वो तीन गुणों से परे हैं और वो दिव्य स्थिति में स्थित हैं, अधोक्षज हैं और इसलिए वो मुझसे भी ऊपर हैं। तो ये सोचना कि मैं सर्वे सर्वा हूं ये गलत है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो सातवें अध्याय का 24-25वां श्लोक जो है भगवान प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लोग ब्रह्म ज्योति, मैं फिर भी खोल के पढ़ लेता हूं एक बार, 7, 24 और 25। तो भगवान कहते हैं ना अव्यक्ता कि मुझे लोग अव्यक्त समझते हैं, लेकिन एक मिनट 7:24 और 25 देखिए भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। अन इंटेलिजेंट मैन हु डू नॉट नो मी परफेक्टली थिंक दैट आई द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा वाज इंपर्सनल बिफोर एंड हैव नाउ अज्यूम्ड दिस पर्सनालिटी ड्यू टू देयर स्मॉल नॉलेज दे डू नॉट नो माय हायर नेचर व्हिच इज इम्पेरिशेबल एंड सुप्रीम। तो हे अर्जुन, कुछ लोग मुझे अव्यक्त समझते हैं कि मैं अव्यक्त से व्यक्त हुआ हूं, तो ये अपने आप में गलत धारणा में जीवन जीते हैं। और अबुद्धयः, ये कम बुद्धि वाले लोग हैं, और दे डू नॉट नो माय हायर नेचर, वो मेरे जो दिव्य स्वरूप को, जो तीन गुणों से परा जो स्वरूप है उसको नहीं समझ पाते वो, और इसलिए वो फंस जाते हैं। और उसके बाद अगर 25वां पढ़ना है उसी को लेके, तो मुझे लगता है नाम प्रकाश सर्वस्य होना चाहिए। हाँ, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम्। आई एम नेवर मैनिफेस्ट टू द फूलिश एंड अनइंटेलिजेंट, फॉर देम आई एम कवर्ड बाय माय इंटरनल पोटेंसी एंड देयरफॉर दे डू नॉट नो दैट आई एम अनबॉर्न एंड इनफैलिबल। हाँ, वो ये नहीं जानता कि मैं अव्यय हूँ और अच्युत हूँ, मैं कभी पतन नहीं होता मेरा, लेकिन वो ऐसे सोचता है। तो ऐसे लोगों के लिए नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं ऐसे लोगों को अपने आप के बारे में नहीं बता पाता, तो समझ ही नहीं पाएगा। तो ये यहाँ कहा गया है कि जो ऐसे सोचते हैं वो भगवान के इस माया के प्रकृति में फंसे हुए हैं। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हु आर ट्रांसेंडेंटल टू अबव मेंशन्ड थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर कैन सी ऑल ब्लिसफुल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विद देयर विजन ऑफ लव इन एटीट्यूड ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति के स्तर पे जब हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे और शुद्ध भक्ति की सेवा में हम जब लग जाएंगे,
तब भगवान का दर्शन हमें होने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कुछ ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, दिव्य लोग होते हैं, लेकिन उनको ये भगवान का जो व्यक्ति व्यक्ति विशेष उनको समझ में नहीं आता। तो ट्रांसेंडेंटल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि भगवान जो है योग माया का एक पर्दा होता है। तो योग माया का पर्दा तब खुलता है जब आप भगवान को पर्सनलिज्म में के कंसेप्शन में रखते हैं, अन्यथा वो योग माया का पर्दा रहता है और ब्रह्म ज्योति से आप डील करते रहो। तो रिलेशनशिप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान से हमारा जो आदान प्रदान है वो व्यक्ति विशेष रूप में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे द लॉर्ड इज नॉट अप्रीचेबल बाय एवरीवन बिकॉज ही इज कर्टेंड बाय हिज योग माया पोटेंसी, बट वन शुड नॉट रॉन्गली कंक्लूड दैट द लॉर्ड वॉज फॉर्मरली अनमैनिफेस्टेड एंड हैज नाउ मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन द ह्यूमन फॉर्म। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अव्यक्त थे अब वो व्यक्त हुए हैं, ये गलत धारणा है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो क्योंकि अभी मैं कार में हूँ और मैं आप सबको क्वेश्चन आंसर करूंगा तो समय जाएगा, लेकिन आपको ये बता दूं आज हमारे कृष्ण लाल प्रभु का बर्थडे है। सब लोग एक बार अनम्यूट करके उनको सबको, उन्होंने हमें इतना सारा भजन सुना कि हमारे जीवन भक्ति में किया है, उनको हरि बोल करके सब धन्यवाद। हरि बोल।